गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा, सो योर नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 14, दैट इज हिस्ट्री ऑफ मेडिसिंस. नाउ फर्स्ट पैराग्राफ. इन टुडेज टाइम वी हैव मेडिसिंस फॉर ट्रीटिंग ऑलमोस्ट एवरी डिजीज. ठीक है बेटा, आजकल क्या है कि हमारे पास हर मेडिसिन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हर डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं, कि हर डिजीज़ का इलाज कर सकते हैं. बट हैव यू एवर वंडर्ड हाउ डिड पीपल ट्रीट देमसेल्व्स ड्यूरिंग एशियन टाइम्स. फिर बेटा, आपको ये पता है कि पुराने टाइम में लोग कैसे बीमारियों से निपटते थे. लेट अस फाइंड आउट द जर्नी ऑफ मेडिसिन ओवर द ईयर्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस साइंटिस्ट इन डेवलपिंग मेडिसिन एज वी नो टुडे. ठीक है बेटा, तो आप क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री के बारे में, मेडिसिन की हिस्ट्री के बारे में. नाउ हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन. द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन रिफ्लेक्ट्स हाउ पीपल हैव यूज्ड वेरियस मेथड टू ट्रीट डिजीजेज. ठीक है, जो हिस्ट्री है मेडिसिन की वो क्या बताती है कि कैसे लोग क्या करते थे, अलग अलग मेथड यूज़ करते थे बीमारियों से निपटने के लिए. इन एशियन टाइम पीपल यूज नेचुरल थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड क्ले फॉर मेडिसिनल पर्पजेज. ठीक है बेटा, एशियन टाइम में क्या होता था, लोग क्या करते थे, नेचुरल चीज़ें यूज़ करते थे जैसे प्लांट्स, क्ले मीन्स मिट्टी. ठीक है, मेडिकल पर्पजेज के लिए. फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया आयुर्वेदा कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्दी डाइट, हर्ब्स एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज वॉज यूज टू क्योर पीपल. ठीक है बेटा, पुराने टाइम में क्या होता था, आयुर्वेदा यूज़ किया जाता था. और आयुर्वेदा में क्या क्या होता था, हेल्दी डाइट होती थी, हर्ब्स होती थी, जड़ी बूटियाँ और एक्सरसाइजेज होती थी जो कि लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए यूज़ की जाती थी. पीपल ऑल्सो परफॉर्म सर्जरी ऑन वेरियस बॉडी पार्ट्स. ठीक है बेटा, पीपल क्या करते थे, सर्जरीज भी परफॉर्म करते थे अलग अलग पार्ट्स पे बॉडी के. ओवर द ईयर कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस साइंटिस्ट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट्स. ठीक है बेटा, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, साइंटिस्ट ने क्या किया, मॉडर्न मशीन्स बनाई और नए नए तरीके निकाले बीमारियों से निपटने के लिए. ठीक है बेटा, नाउ राइज ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, कि अब मॉडर्न मेडिसिन कैसे राइज हुई. द ऑनसेट ऑफ द 19th एंड 20th सेंचुरी विटनेस द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव मेथड्स टू डायग्नोस डिजीजेज एंड द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न मशीन. ठीक है बेटा, 19th और 20th सेंचुरी में क्या हुआ, बहुत सारे नए इफेक्टिव मेथड्स डेवलप हुए. ठीक है, जिससे क्या किया गया, डिजीजेज के बारे में पता गया किया गया और उनके लिए नई नई मशीनें बनी. नाउ लेट अस फाइंड आउट सम इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस दैट लेड टू राइज ऑफ मॉडर्न मशीन्स. ठीक है, आप कुछ इन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट आपका है क्लिनिकल थर्मोमीटर. डैनियल फारेनहाइट अ जर्मन साइंटिस्ट इन्वेंटेड क्लिनिकल थर्मोमीटर. ठीक है बेटा, जो डैनियल फारेनहाइट थे जर्मन साइंटिस्ट, उन्होंने इन्वेंट किया क्लिनिकल थर्मोमीटर 1714 में. क्लिनिकल थर्मोमीटर किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर. ठीक है बेटा, बुखार मापने के लिए, जो टेम्परेचर मापने के लिए यूज़ करते हैं थर्मोमीटर. ठीक है, ये क्या होता है, एक बहुत पतली ग्लास रॉड होती है, देखो डायग्राम में, एक पतली सी ग्लास रॉड है जो कि मरकरी के साथ भरी हुई है और इसकी डिग्रीज मार्क की हुई हैं इसके ऊपर, 94 डिग्री से लेके 108 डिग्री फारेनहाइट तक. द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.4 डिग्री फारेनहाइट. ठीक है बेटा, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो हमारा कितना होता है, 98.4 डिग्री फारेनहाइट. एनी टेम्परेचर लोअर और हायर देन दिस शोज़ दैट अ पर्सन इज़ नॉट वेल. ठीक है, अगर किसी पर्सन का 98.4 डिग्री फारेनहाइट से ज़्यादा फीवर होता है, सॉरी ज़्यादा टेम्परेचर होता है या फिर कम टेम्परेचर होता है, तो इसका मतलब वो पर्सन ठीक नहीं है. अ क्लिनिकल थर्मोमीटर ऑल्सो हैज़ अ सेल्सियस स्केल. वी कैन चेक अ पर्सनस बॉडी टेम्परेचर बाई प्लेसिंग द थर्मोमीटर इन देयर माउथ और अंडर द आर्मपिट. ठीक है बेटा, अ टेम्परेचर को कैसे चेक कर सकते हैं, या तो थर्मोमीटर को मुँह में रख के या फिर अंडर आर्म्स में रख के. इन टुडेज टाइम वी ऑल्सो गेट डिजिटल थर्मोमीटर्स इन द मार्केट. ठीक है बेटा, आजकल के टाइम में हमें क्या मिलते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर्स भी मिलते हैं मार्केट में. नाउ नेक्स्ट इज स्टेथोस्कोप. स्टेथोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाई डॉक्टर रेने लेनेक इन 1816. ठीक है बेटा, इट इज़ यूज बाय गवर्नमेंट टू लिसन द साउंड ऑफ इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स. ये डॉक्टर्स यूज़ करते हैं किस लिए, ताकि उनको जो इंटरनल अंदर के बॉडी ऑर्गन्स हैं हमारे, जैसे हार्ट हमारा अंदर होता है ना, ठीक है, तो इनकी क्या साउंड्स सुनने के लिए स्टेथोस्कोप को यूज़ किया जाता है. नाउ मेडिकल इमेजिंग क्या है बेटा. मेडिकल इमेजिंग रेफर्स टू वेरियस टेक्नोलॉजीज दैट इनेबल अस टू टेक इमेजेस ऑफ आवर इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स. ठीक है बेटा, मेडिकल इमेजिंग क्या है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं इसमें, जिससे क्या होता है,
जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी इमेजेस ले सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या है कौन से बॉडी पार्ट में, ठीक है। कुछ मशीन्स हैं, कुछ इमेजेस हैं, फर्स्ट आपकी है एक्सरे, ठीक है। एक्सरे इज़ यूज टू टेक इमेजेस ऑफ बोन्स एंड इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। जो एक्सरे है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, इमेजेस लेने के लिए, हड्डियों की इमेजेस क्लिक करने के लिए और इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को क्लिक करने के लिए। नेक्स्ट इज़ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड मशीन टेक्स इमेजेस ऑफ आवर इंटरनल ऑर्गन बाय यूजिंग साउंड वेव्स, ठीक है। अल्ट्रासाउंड मशीन है जो कि इमेजेस लेती है हमारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स की, मतलब, ठीक है, किससे, बाय यूजिंग साउंड वेव्स। नेक्स्ट आपका ईसीजी। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। ये क्या करता है, ये चेक करता है कि पेशेंट का जो हार्ट है, दिल है, ठीक है, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिटी स्कैन। सिटी स्कैन, फुल फॉर्म ऑफ सिटी स्कैन इज कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन, ठीक है। और ये स्पेशल काइंड की, स्पेशल टाइप की एक्सरे मशीन है जो कि यूज़ की जाती है इमेजेस क्लिक करने के लिए इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के थ्रू। नेक्स्ट इज योर लेज़र। नाउ फुल फॉर्म ऑफ लेज़र इज लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस, ठीक है बेटा। और ये किस लिए यूज़ की जाती है, इट इज़ यूज टू ट्रीट वेरियस मेडिकल कंडीशंस विद द हेल्प ऑफ नैरो बीम ऑफ लाइट, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस को ट्रीट करने में हेल्प होती है इससे, कैसे, विद द हेल्प ऑफ नैरो बीम ऑफ हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट की हेल्प से। नेक्स्ट बेटा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक क्या है, एंटीबायोटिक रेफर्स टू अ मेडिसिन दैट प्रिवेंट एंड डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज डिजीजेज इन आवर बॉडी, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या है, एक मेडिसिन है जो कि प्रिवेंट करती है और ख़त्म करती है स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होते हैं, डिजीजेज हो जाते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो वर्ल्ड में बनी थी वो थी पेनिसिलिन, और इसको किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928। टुडे मैनी एंटीबायोटिक्स हैव बीन डिस्कवर्ड दैट क्योर वेरियस डिजीजेज, ठीक है। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बन चुकी हैं अब तो, जो कि क्या करती हैं, बहुत सारे डिजीजेज को क्योर करती हैं, ठीक है बेटा। सो दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट, आई सेंड सेकेंड पार्ट इन सेकेंड वीडियो। थैंक यू।